बदल दिया। कुछ पेरेंट्स ने बेटियों को बराबर एजुकेशन दे दी और बहुत सारी लड़कियों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इनको बहुत सारे गारंटीज दे दी। उनको प्रोटेक्शन क्यों दे दी है? ये फुल्ली ग्रोन होने चाहिए, फिजिकली, मेंटली, मॉरली, स्पिरिचुअली, सब कुछ आगे निकलने से तो उनके लिए, बच्चियों के लिए अच्छा है। पीछे ना रहे, हमारी सबसे ये गुजारिश है। हमने अदालत में फैसला दे दिया कि वाइफ जी अपने हस्बैंड के साथ रह लेगी। वहाँ फैमिली डिस्प्यूट केस होता है, हम रेफर करते हैं कोर्ट्स में। But it takes years together there to receive the justice. आज 11th of October है। आज पैन इंडिया अवेयरनेस आउटरीच प्रोग्राम के तहत से हमने ये 11th अक्टूबर का जो प्रोग्राम है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में आज प्रोग्राम किया, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर की ऑफिस के साथ कोलैबोरेशन के साथ हमने ये प्रोग्राम किया, जिसमें बहुत सारी औरतों ने, लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। और आज हमने बहुत सारी लड़कियों को यहाँ पे फैसिलिटेट भी किया, जिनका इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे उन्होंने बहुत अच्छा ही, किसी ने कराटे में, किसी ने और किसी में कैलीग्राफी में बहुत अच्छा पोजीशन ले लिया था। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम जो है, ये हमें यही बताता है कि लड़कियों को आगे चलाना है, अवेयरनेस देनी है कि जो फीमेल चाइल्ड है उनको प्रोटेक्ट